तो भाई जान ये कहानी स्टार्ट होती है इस ट्यूब से। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, पागल है। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है प्लांट थिंग्स यानी कि प्लांट प्लान्स, और एक होती है अनप्लांट थिंग्स यानी कि अनप्लांट प्लान्स। तो इरादा तो मेरा फार्मेसी से ये ट्यूब लेने के लिए जाना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इस बहाने इतना कुछ एक्सप्लोर कर लूंगा, और वो भी रात के वक्त और रमजान की रातों में। उफ, मुझे नहीं पता था। अभी हम शेख की तरफ जा रहे हैं, तो उधर जाके मिलते हैं इसको। इससे डेली व्लॉग्स में आप लोग की मुलाकात नहीं हुई, तो अस्सलाम वालेकुम और भाई। और भाई ड्राइव करेंगे आप हेलमेट, क्योंकि मैं पहनता हूँ ना, मुझे बार बार चौकी पर उतारा नहीं जाता, मैं आप उतार सकते। ये फाइनली हम लोग अंदरून के अंदर हैं अभी फ़िलहाल। ये लंडा बाजार है, ठीक है सारा। तो थोड़ी देर में अभी हम लोग एक ज़रूरी काम है वो निपटा के हम लोग दादा दरबार वाली साइड पे जाएंगे। उधर बहुत ज़्यादा रौनक है, तो उधर का माहौल देख के रहेंगे। मुझे लगता है रौनक है, पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, देखते क्या होता है। फाइनली यहाँ पर है फार्मेसी भेजना, इधर से सिर्फ मिलती है वो ट्यूब, ठीक है। और आप जिधर मर्जी लाहौल में ढूंढ लो आपको ट्यूब नहीं मिलनी, वो यहाँ से हम लोग जाएंगे दाता दरबार में, दिल्ली गए दाता दरबार घूम के। बाकी रमज़ान की रातों में आप लोगों को लाहौर देखने को मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है भाई। तो बस निकल गए फिर हम भी फार्मेसी से ट्यूब लेने के बाद दिल्ली गेट। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली गेट बिल्कुल सामने, और रश देखो आज मैंने आप लोगों को उस दिन जब घुमाया था तो रश बिल्कुल भी नहीं था, आज बहुत ज़्यादा रश है। पार्किंग इधर से आप एंटर होते हैं दिल्ली गेट के अंदर। सर मैं अब चल रहा है रमजान तारीख के बाद, लोग ना ईद की शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इधर आते हैं, और इसके बाद इधर होलसेल मार्केट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो इधर होलसेल शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो बड़े दुकानदार हैं वो इधर से सामान लेके जाते हैं, कई शहरों से लोग इधर आके सामान लेके जाते हैं, नॉट इवन के लाहौर वाले से कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम लोग भी बस इंजॉय के लिए अब घूम रहे हैं, सोच रहे हैं वज़ीर ख़ान मस्जिद दोबारा से देख कर आए, मज़ा नहीं आता इस। तो लाहौर को ऐसे ही हिस्ट्रियों वाला शहर नहीं कहा जाता, उसकी कोई वजह है। उसकी वजह ये है कि भाईजान हम लोग दिल्ली गेट से एंटर हुए और आगे वज़ीर ख़ान मस्जिद थी। वज़ीर ख़ान मस्जिद में हमने सोचा कि ईशा की नमाज़ पढ़ें, तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जब हम लोग बाहर निकल के हमने देखा, तो मुझे सिर्फ ये पता था कि उधर एक दरबार है, मस्जिद के अंदर ही सेन में कब्र बनी है और वही दरबार है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप बेसमेंट में जाएंगे तो आपको 10 फुट लंबी कब्र मिलेगी, और वो है मेन दरबार। और मुझे उनका नाम नहीं पता, तो इसलिए मैं कुछ गलत बोलूँगा नहीं, लेकिन यार वाकई हिस्ट्री बहुत भरी पड़ी है अनारकली से ले कर वज़ीर ख़ान मस्जिद तक। ये रही भाई वज़ीर ख़ान मस्जिद। किस किस को मोहब्बत मेरे हिस्से में। आई थिंक जुम्मा था ना सुबह, तो इसलिए ये जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं ये कनातें लगी हुई हैं, ये जुम्मे के लिए लगी हुई थी आज। बाकी आज तो रश बहुत कम लग रहा है मुझे। हरे हम लोग नीचे जा रहे हैं। अच्छा एक दरबार ऊपर है, यहाँ पर एक कब्र है और एक नीचे। मेरे ख्याल से तकरीबन 7 से 8 फुट। जन नीचे शेख ने भी कब्र देखी, मैंने भी देखी। शेख कितनी लंबी थी? 10 फुट होगी मेरे ख्याल। 10 फुट तकरीबन लंबी कब्र थी वो जो आप लोगों ने अभी देखी है। और मैं पिछले बार नीचे नहीं गया था, मुझे भी नहीं पता था कि इधर नीचे भी एक मज़ार है और ऊपर भी एक उनकी कब्र है। मुझे इसकी पूरी तफसील पता नहीं है, इसलिए मैं कोई अपने से बात करना नहीं चाहता, लेकिन खैर बहुत मज़ा आया देख के सीरियसली। जहाँ भी
गेट और वजीर खान मस्जिद की तो क्या ही बात है। फिर उसके बाद हम लोग वहां से निकल के हम लोग पहुंच गए दाता दरबार। इसका तो आप लोगों ने हर बंदे से सुना होगा कि लाहौर के बड़े सूफियान, लाहौर के क्या, पाकिस्तान के, दुनिया के बड़े सूफियाने कराम में से ये एक थे। तो बहुत दूर दूर से लोग इनको सलाम करने आते, तो हम भी पहुंच गए। फिर दाता दरबार की बैक साइड से एंटर हो रहे हैं, मतलब कि ये गली है साथ, इसके साथ से हम एंटर हो रहे हैं, मेन से नहीं जा रहे। और बस दुआ करो सब सेट हो जाओ सही, कहाँ कहाँ हो गया, हम लोगों ने बस भरोसे पे बाइक खड़ी। तो मेरे दोस्त शेख और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, हम लोगों को नहीं पता था हम लोगों ने कहाँ से एंटर होना है, क्या करना है, न्याज किसको देनी है, किस तरह क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। बस ये पता था सलामी सलाम करके फातिहा पढ़ के आ जाना, और बस यही पता था और कुछ भी नहीं पता था। तो बस फिर यही करके हम लोग वापस आ गए। सामने बिल्कुल तरावियाँ हो रही हैं, ये मस्जिद है और ये मज़ा आ रहा है, लग रही है हमें बात की। यहाँ पर क्या कहते हैं, पानी पीने का ये सिस्टम। इस साइड से आप लोग एंटर होते हैं, इस साइड से आप एंटर होते हैं, और ये लेडीज़ की साइड है ये वाली सारी, और ये सारी जेंट्स की साइड है। इस सारी जगह पे जेंट्स होते हैं, उस साइड पे लेडीज़ होती हैं, और लेडीज़ का उधर से ही दाखिला है और उधर से ही इखराज, उधर से ही चले जाते हैं वापस। फाइनली डिलीवर्ड। बांटने बैठते ना तो इधर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांट रहे हैं ऑलरेडी, हम भी अब सबको बांटने लग जाते तो बहुत टाइम लगता है, हमें इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। फिर हमें घर पहुंचना है, और बाइक हम लोग ऐसे बंदे के हवाले कर रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं। की तरफ नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा एक अपने अजीज़ व अकारिब, एक हमारे हैं मतलब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आसिम भाई, उनकी तरफ जा रहे हैं, और शेख हमारे साथ ही है। चल भाई चलें चलें। आसिम भाई भी पाड़ू कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। बस हम लोग, मैंने कहा कि आसिम भाई के पास चलते हैं, रमजान में जाना पड़ता है। हाँ भाई, अभी हम लोग आसिम भाई के पास पहुंच गए हैं, और आसिम भाई के पास आते हैं ना सबसे पहली जो हमारी चीज़ होती है ना, हम लोग इनका टिक्का जरूर टेस्ट करें, कुछ ना कुछ इनसे खा के जरूर जाते हैं हम लोग। वो इसलिए क्योंकि इनका टेस्ट एक तो अच्छा है, और सेकंड बात ये कि आप अंदरून है और कुछ खाए ना, अंदरून आने का फ़ायदा नहीं ना ब्रो। फिर तो अभी हम लोग को टिक्का लगवाया, वो अभी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल फज्जे के बिल्कुल सामने, ये वर्ल्ड फेमस है, ये भी वर्ल्ड फेमस है। खाने का तरीका थोड़ा ख़राब है, लेकिन नो डाउट मज़ेदार है। हाँ जी, ये देखें इस जीप को आप देख सकते हैं, जीप कैसे कहा ये इसके साथ स्विंग बनती है यार, दो स्विंग दे रहा। नहीं 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 शाह जी, दो स्विंग मजाक कर रहे हैं। चलो भाई टीम भी आ गई। और कुछ सर आपको और कुछ चाहिए? ठीक है आसिफ भाई। तो डेली व्लॉग्स के साथ ये वीडियो बनाना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन हमने कर लिया। बाकी मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह। मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो साथ कोई, जब नहीं हो साथ कोई, बस तेरा है आसरा। ऐ मेरे मालिक मेरे खालिक मेरे हाजत रवा, जब नहीं हो